नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 20 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। प्याज के बाद अब चीनी हो सकती है महंगी। अभी तक प्याज के बढ़ती कीमत का असर लोगों के दिनचर्या से गया ही नहीं था कि अब चीनी के महंगे होने की खबरें सामने आ रही हैं। खबरों के अनुसार जल्द ही चीनी का भी सेवन लोगों को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अभी बाजार में चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चीनी विशेषज्ञों के अनुसार चीनी उत्पादन 15 दिसंबर तक 35% गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कि इसका सीधा असर चीनी के दाम पर पड़ने वाला है। नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों में ओबीसी छात्रों को मिलेगा 27% आरक्षण। लाखों छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी। मोदी सरकार ने सभी नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत अब इन विद्यालयों में पढ़ने की इच्छा रखने वाले ओबीसी श्रेणी के छात्रों को 27% आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। इस बाबत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साल 2020-21 के लिए आरक्षण में जारी किए गए नए विस्तार को स्वीकृति दे दी है। बिहार सरकार ने पर्यावरण बजट की मांग की। हाल ही में दिल्ली में बजट पूर्व सुझाव की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। आयोजित इस बैठक में बिहार का पक्ष रखने के लिए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी इस बैठक का हिस्सा बने थे, जहां पर उन्होंने केंद्र से जलवायु परिवर्तन की वजह से बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्यों के कृषि और स्वास्थ्य पर हो रहे असर के अध्ययन को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण बजट पेश करने की मांग की है, जिससे कि हर विभाग जलवायु पर खर्च होने के साथ साथ कार्बन फुटप्रिंट की नियंत्रण करने में खर्च होने वाली राशि का पूरा प्रावधान हो। गंगा जल का सेवन करेंगे अब गया, राजगीर और नवादा के लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार के चार शहर गया, बोधगया, राजगीर और नवादा के लोग साल 2021 तक गंगा जल का सेवन करने लगेंगे। ज्ञात हो, बिहार सरकार ने गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए गंगा जल उद्भव योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना पर मुख्यमंत्री कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा आने वाले एक महीने में इस योजना के शुभारंभ का भी ऐलान किया गया है। तेजस जैसी अन्य निजी ट्रेनों का परिचालन अब छपरा से मुंबई तक। तेजस ट्रेन का सफलतापूर्वक परिचालन ने निजी ट्रेन के लिए कई अहम रास्ते को खोल दिया है, जिसके तहत अब रेल मंत्रालय ऐसे अन्य प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करने का सोच विचार कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे ने अभी तक 6 निजी ट्रेनों के परिचालन की योजना पर काम किया है, जो कि छपरा, गोरखपुर, मड़ुआरी, दिल्ली और मुंबई तक चलाई जाएगी। इतना ही नहीं, रेलवे मंत्रालय तो आने वाले 2-3 सालों में रेलवे ट्रैक पर 100 से अधिक निजी ट्रेनों के परिचालन की तैयारियों में जुटा हुआ है। गांधी सेतु पर साड़ी पहनकर नाचे कार्यकर्ता। बिहार बंद के मौके पर जहां एक ओर लोग सड़कों पर उतर आए, वहीं दूसरी ओर गांधी सेतु पुल पर समर्थकों का अनोखा अंदाज दिखा, जहां पर कुछ समर्थक मिलकर अनोखे तरीके से पुल के बीचों बीच साड़ी पहनकर नाच गाना कर रहे थे। आपको बता दें, यह अनोखा अंदाज जो आपके कार्यकर्ताओं का रहा, जिन्होंने बिहार बंद के मौके पर सेतु पुल पर भोजपुरी गाने को बजाकर नाच गाना किया। 13 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा पाटलिपुत्र स्टेशन को। पाटलिपुत्र स्टेशन को और ज्यादा विकसित करने के लिए रेल प्रशासन बड़ी ही प्रतिबद्धता के साथ जुट गया है, जिसके तहत अब पाटलिपुत्र स्टेशन पर 2 अन्य प्लेटफॉर्म को बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ 2 नई स्टेबलिंग लाइन बनाने पर भी काम तेज कर दिया गया है। आपको बता दें, पाटलिपुत्र स्टेशन को विकसित करने की योजना पिछले 2 सालों से बनाई जा रही है, मगर अब जाकर उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ज्ञात हो, पाटलिपुत्र स्टेशन को विकसित करने के लिए 13 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। प्याज के बाद अब आलू बिगाड़ेगा रसोई का बजट। प्याज के बाद अब आलू की कीमतों में बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका मूल कारण सब्जी मंडी में आलू की आवक सामान्य से कम होना बताया जा रहा है। रिटेल में तो आलू की कीमत 24 से 30 रुपए किलो तक पहुंच गया है। आलू के बढ़ते कीमत पर थोक कारोबारी की अगर माने तो थोक कारोबारी स्थानीय फसल के आने के बाद ही आलू की कीमतों में गिरावट की संभावना जता रहे हैं। इसकी दूसरी मूल वजह पंजाब और हरियाणा से आलू की खेप का बिहार और पंजाब की तरफ जाना बताया जा रहा है। बिहार बंद को लेकर दिखने लगा है महागठबंधन में फूट। हाल ही में राजद ने महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें एन मौके पर राजद पार्टी से ही कोई उपस्थित नहीं हुआ। राजद पार्टी ने आयोजित सभा से किनारा करके पार्टी ने बिहार बंद के फैसले का समर्थन नहीं किया है, जिस पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने राजद के इस रवैये पर तंज कसते हुए कहा है कि इस बैठक का आयोजन राजद ने खुद ही किया था, लेकिन अब बिना कारण बताए राजद ने इसे कैंसिल कर दिया है। पटना में लुढ़का पारा। पटना में शीतलहर चलने के कारण पटना में 6 डिग्री का तापमान लुढ़क गया है, जिसके कारण समूचे बिहार में ठंड का असर बढ़ गया है। आपको बता दें, कश्मीर क्षेत्र में हो रही असामान्य बर्फबारी और तेज हवाओं के चलने से मौसम में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पछुआ हवा चलने के कारण बिहार के पटना समेत कई जिलों में समय समय पर बादलों का आना जाना भी लगा हुआ है, जिससे कि मौसम में दिन भर उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में मौसम का यही रुख देखने को मिलेगा।
रेलवे में अब स्लीपर सेकंड क्लास के किराए में 50% की मिलेगी छूट। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत रेलवे विभाग ने अहम सूचना जारी की है, जिसके तहत विभाग ने यह साफ करते हुए बताया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में शामिल होने वाले युवाओं को 50% की छूट मिलेगी। मगर ध्यान रहे, यह छूट केवल स्लीपर और सेकंड क्लास के किराए में ही मिलेगी और केवल वही यात्री इस छूट के हकदार होंगे जिनकी कुल मासिक आय 5,000 रुपये प्रति महीने से ज्यादा नहीं होगी। साथ ही साथ रेलवे की यह नई पहल केवल सामान्य रेलगाड़ियों के लिए ही होगी। हमारी सरकार लोगों के उत्थान के लिए करती है काम, मुख्यमंत्री नीतीश। उक्त बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा के रजौली में जल जीवन हरियाली जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान कह रहे थे। उन्होंने आगे कहा है कि जब भी हमें काम करने का मौका मिला है, हमने न्याय के साथ साथ विकास का काम किया है। हाशिए पर खड़े सर्व समुदाय के लोग के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। इसके आगे जल जीवन हरियाली अभियान की महत्ता लोगों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि जल और हरियाली के बिना लोगों का जीवन संभव नहीं है, इसीलिए इसका बचाव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सुपौल के मनीष को 2019 के साहित्य एकेडमी पुरस्कार के लिए किया गया चयनित। सुपौल के साहित्यकार मनीष अरविंद को साल 2019 के साहित्य एकेडमी के लिए चुना गया है। आपको बता दें, मनीष अरविंद को यह पुरस्कार उनके द्वारा साल 2017 में लिखी गई एक मैथिली कविता के लिए दिया जाएगा। ज्ञात हो, सुपौल के रहने वाले मनीष वीरपुर अनुमंडल के करजाइन बाजार क्षेत्र के रहने वाले भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी हैं। बिहार बंद में कई जगहों पर सड़कों पर उतरे लोग। नागरिकता संशोधन विधेयक और एनआरसी के मुद्दे पर बिहार बंद का ऐलान किया गया था, जिसके पश्चात कई जगहों पर बिहार बंद का असर देखने को मिला। तो वहीं जा प्रमुख पप्पू यादव भी डाक बंगला चौराहे पर चेन और सिकरी पहनकर बिहार बंद का हिस्सा बने। वहीं नालंदा में जाप कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस के परिचालन को स्थगित करवा दिया, क्योंकि सभी कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर उतर गए थे। उद्योग मंत्री ने किया गया जिले में खादी पार्क बनाने का ऐलान। मंत्रियों की कैबिनेट की बैठक का हिस्सा लेने बिहार के गया जिले में पहुंचे उद्योग मंत्री श्याम रजक ने गया में खादी पार्क बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा श्याम रजक ने गया के उद्योग केंद्रों का निरीक्षण किया, साथ ही साथ कई बुनकरों से मुलाकात भी की। इससे पहले वो मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना के तहत रेडीमेड गार्मेंट उद्योग का जायजा लेने भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी मुसलमानों को दिया संतावना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत गया के गांधी मैदान में बोल रहे थे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए यह कहा कि CAA को लागू होने से आम जनता को और खासकर के अल्पसंख्यक समुदाय को ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। हमारे रहते हुए आप सभी को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। हम पहले भी अल्पसंख्यक समाज के लिए खड़े थे और आज भी हम खड़े हैं। उनके लिए पहले भी काम किया गया था और आगे भी काम किया ही जाएगा। झारखंड के पांचवें चरण का मतदान होगा आज। झारखंड विधानसभा चुनाव के पांचवें और अंतिम चरण का मतदान आज यानी कि 20 दिसंबर को होना है। इस चरण में 6 जिलों के 16 सीटों पर कुल 237 प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, जिसमें कि 208 पुरुष है और 29 महिलाएं हैं। इसके साथ ही आज के इस मतदान में झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जिसके पश्चात सभी पार्टियों को इसके परिणाम का बेसब्री से इंतजार भी रहेगा। 23 दिसंबर तक 18 पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन के समय में हुआ फेरबदल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। कई डेली पैसेंजर्स ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया है और यह फैसला रूट रिले इंटरलॉकिंग की वजह से लिया गया है, जिसके तहत अब मुगलसराय मंडल के मानपुर स्टेशन पर 23 दिसंबर तक PRRI कार्य किया जाएगा, जिसके कारण रेलखंड पर चलने वाली 18 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 10 एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। गया में 252 योजनाओं का किया गया शिलान्यास। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के गया जिले में 958,33,10,000 के लागत के 252 योजनाओं का शिलान्यास किया है। आपको बता दें, शिलान्यास के वक्त मौके पर कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, कृष्णनंदन शर्मा, संजय झा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बांका जिले के जयेष्ठ गौरवनाथ मंदिर में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यह एक शिव मंदिर है जो चांदन नदी के पश्चिम में एक पहाड़ी पर स्थित है। अक्सर शिवरात्रि को यहाँ मेले का आयोजन होता है। रजौन प्रखंड के रूपसा गांव में काली मंदिर और माँ दुर्गा की प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा चुतेश्वर नाथ मंदिर चुटिया ग्राम में है। यहाँ एक गुफा है और पत्थरों पर रथ के पहिए के निशान भी देखने को मिलते हैं। मुख्यमंत्री के आगमन से गयावासी हुए खुश। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया पहुंचे थे, जहां पर उनके आगमन की भव्य तैयारियां की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप रातों रात पूरे गया की सूरत बदल दी गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन पर ट्रैफिक व्यवस्था तक काफी ज्यादा दुरुस्त हो गई और साफ सफाई के तो क्या ही कहने। बिजली और पेयजल की समस्या भी उस दिन बिल्कुल ही खत्म सी दिखी। जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम के सारे अधिकारी पूरी तरह चौकस दिखे, जिसके बाद हर तरफ लोग यही कहते देखे गए कि काश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां रोज आते।
भागलपुर में गंगे डॉल्फिन क्षेत्र में दूसरे देशों से आए पक्षियों ने जमाया डेरा। भागलपुर जिले के सबौर से लेकर सुल्तानगंज तक गंगा के किनारे बाहर के देशों से आए पक्षियों का अलग ही मजमा देखने को मिल रहा है। ये सभी पक्षी ठंडे देशों से आकर यहाँ घर बसा रहे हैं। लगभग 1000 से 1200 पक्षियों ने यहाँ पर अपना डेरा बनाया हुआ है। जानकारों की माने तो अगले साल मार्च महीने तक ये सभी पक्षी इसी इलाके में रहने वाले हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 19 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,164 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,747 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 46,690 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.44 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 70.69 रुपए प्रति लीटर था। अब आइए बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। बारिश के कारण ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही पछुआ हवा के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं दिनभर हल्की धूप निकलने की भी संभावना है। रोहित शर्मा ने तोड़ा खुद का रिकॉर्ड, बनाया छक्कों का एक नया विश्व रिकॉर्ड। रोहित शर्मा द्वारा अपनी 159 रनों की पारी के दौरान 5 छक्के लगाए और इन 5 छक्कों के बल पर रोहित शर्मा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और एक साल में सबसे ज्यादा छक्के मारने के मामले में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस साल रोहित शर्मा ने अब तक कुल 77 छक्के लगाए हैं। साथ ही एक कैलेंडर वर्ष में 75 से अधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी रोहित की सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज थे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। एनआरसी और कैप के मुद्दे पर वाम दलों द्वारा कल किए गए बिहार बंद पर आपकी क्या राय है? आप अपने जवाब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।